दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच से मैं सोनी कुमारी गणित शिक्षिका बेटी इंटर विद्यालय किशनपुर आप सभी को गणित पढ़ाऊंगी क्लास इलेवंथ एवं ट्वेल्थ के बच्चों को बच्चों आप सभी जान रहे हैं कि कोरोना का जो सेकेंड वेव है स्ट्रेन जो है ये आपका पिछली बार की अपेक्षा भी ज़्यादा खतरनाक है इसीलिए बिहार सरकार को भी फिर से लॉकडाउन करने का फैसला लेना ही पड़ा इसीलिए बच्चों आप तो देश के भविष्य हैं इसलिए घर में रहे सुरक्षित रहे लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो इसके लिए दी बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स जो है वो एक नया मंच तैयार किया है यूट्यूब फेसबुक हर जगह आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप क्लास वन से लेकर ट्वेल्व तक के बच्चे सारे सब्जेक्ट का सारे क्लासेस की पढ़ाई होती है आप देख सकते हैं और सिस्टमेटिक वे में सब कुछ रहेगा लेकिन बच्चों आज मैं आपको थोड़ा कुछ बता दे रही हूँ इस वीडियो में ट्वेल्थ के बच्चों के लिए ही चैप्टर है तो बच्चों आप लोग 50% परसेंट क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहता है अब तो ये अच्छी बात है ऑब्जेक्टिव रहता है क्योंकि आपका कंपटीशन के लिए आपका ब्रेन तैयार होगा क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को आता तो है बट एग्जाम में एक मिनट डेढ़ मिनट एक क्वेश्चन के लिए रहता है देखिए ना अभी बिहार बोर्ड में ही शो नब्बे मिनट डेढ़ घंटा रहता है और उसमें आपको फिफ्टी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है एक क्वेश्चन के लिए दो मिनट भी समय नहीं बचता है और आप देखिएगा जैसे ये सब मैं क्वेश्चन लिखी हूँ आप देखिएगा जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है एन का एग्जाम्पल सोलह आपको बुक पर दिखा रही हूँ कितने देर यहाँ से शुरुआत है और यहाँ तक मतलब आपको बनाने में पाँच मिनट कम से कम समय लगेगा यदि आपको आता रहेगा तो और दो पेज कम से कम लगेगा तो दो मिनट में तो आप बना नहीं पाएंगे तो इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों जितना भी डिटर्मिनाट का क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में आप क्या कीजिएगा एबीसी को जीरो या वन इस टाइप का कुछ कंसीडर कर लीजिएगा अभी जैसे देखिए ये डिटर्मिनांट का इस चार ऑप्शन में से कोई ऑप्शन चुनना है तो वैसे मैं बनाऊंगी तो बहुत वक्त लगेगा देख रहे हैं दो पेज में बनेगा तो इसको क्या करूंगी सी को चूंकि ऑब्जेक्टिव है मुझे तो केवल आंसर देना है तो ए बी सी को मैं 1 चूज कर ली तो देख रहे हैं 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 और 1 1 2 हो गया सॉल्व करना तो आप जानते हैं ये वाला 2 लिखी फिर इस रो और इस कॉलम को ढक दी तो 2 1 1 2 फिर -1 लिख दी एक बार प्लस चलता है फिर माइनस और इस रो को और इस कॉलम को ढक दी तो 1 1 1 2 हो गया फिर प्लस 1 ली फिर इस को इस को और इसको ढक दी तो 1 2 और और इसको ढक दी तो वन टू और वन वन हो गया ठीक है बच्चों तो अब इसको सॉल्व किए तो टू इंटू फोर माइनस वन माइनस वन इंटू वन इंटू टू टू माइनस वन प्लस वन इंटू वन माइनस टू सॉल्व किए तो टू इंटू थ्री माइनस वन इंटू वन प्लस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू सिक्स माइनस वन माइनस वन इक्वल टू फोर तो बस अब आपको क्या देखना है कि ए में भी ए बी सी का वैल्यू वन पुट किए तो देखिए सॉल्व किया हुआ है इसका वैल्यू वन प्लस वन इंटू वन वन प्लस वन प्लस वन तो ये हो गया फोर तो इसका भी वैल्यू तो फोर ही था बच्चों तो ए तो मुझे लग रहा है सही बी का देखिए वन इंटू वन वन प्लस वन प्लस वन ये थ्री तो बी तो नहीं होगा सी देखिए टू इंटू ये वन इंटू वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन तो आपका टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स तो आंसर तो हमारा क्या था फोर था तो सी भी नहीं हुआ और डी वन प्लस वन प्लस वन तो आपका थ्री डी भी नहीं होगा तो हम लोग तुरंत ए का हम लगा देंगे घेर देंगे इसी तरीके से देखिए वो NCRT का का क्वेश्चन नंबर था ये का का एक, एक्सरसाइज बताई या वन कुछ भी सुविधा के अनुसार हम लोग ले सकते हैं बच्चों तो देखिए मैं यदि जीरो लेती हूं। तो ये क्या हो जाता है एक्स इक्वल टू जीरो जीरो प्लस फोर, फोर एक्स ये जीरो जीरो फिर ये आपका जीरो फोर जीरो 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 टू इंटू जीरो जीरो होता है और जीरो प्लस फोर फोर बच्चों आप क्या कीजिएगा ऐसे फोर, आ, इस रो और इस कॉलम को ढकिएगा तो फोर जीरो जीरो फोर फाइनली हाँ तो अब फिर माइनस जीरो इसको लीजिएगा जीरो आ, इंटू बीच में कुछ भी रहेगा आप तो इसका वैल्यू तो जीरो आएगा फिर प्लस जीरो इंटू कुछ भी लीजिएगा तो वैल्यू तो जीरो आएगा हम तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो आगे तो कुछ करेंगे नहीं तो फोर इंटू फोर फोर जा सिक्सटीन माइनस जीरो फिर माइनस जीरो प्लस जीरो इंटू गया, गया। बच्चों अब इसमें वैल्यू पुट करके मैं देख ले रही हूँ क्या हो जा रहा है ए की जगह पे फाइव इंटू जीरो तो जीरो प्लस फोर तो फोर इंटू फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर मीन फोर का स्क्वायर ये आपका सिक्सटी फोर आ गया तो ए तो मेरा सही लग रहा है आगे भी देख ले रही हूँ X की जगह पे जीरो पुट करूंगी तो फाइव इंटू जीरो प्लस फोर मीन फोर इन टू फोर माइनस जीरो का होल क्यू तो ये तो आपका 64 नहीं आएगा इसी तरीके से सी आएगा जीरो का होल स्क्वायर मींस फोर स्क्वायर ये भी सिक्सटी फोर नहीं आएगा और डी आएगा सिक्स इंटू फोर इंटू सिक्स इंटू जीरो मीन्स डी का वैल्यू जीरो आ जाएगा कुछ भी जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ जाता है इस तरीके से बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि तो किस्टमैटिक वे में आपको इस चैनल पर YouTube लिंक या जो भी Facebook पेज या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और कोरोना के समय में घर पर सुरक्षित रहे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू जारी करें इसके लिए आपको यदि मेरा चैनल देखना होगा तो इसी में आप ढूंढिएगा सोनी कुमारी द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स करके तो ओनली मेरी पढ़ाई मिल जाएगी आप फिजिक्स चूज करना होगा तो फिजिक्स द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ऐसे चूज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से बच्चों आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें सारे के सारे बच्चों और अपनी पढ़ाई घर रहकर सुरक्षित रहकर कंटिन्यू करें थैंक यू